करणी माता का इतिहास, कथा और मंदिर। करणी माता का जन्म का नाम ऋधुबाई था। सुवाब के मेहा किनिया की पुत्री थी। आवर देवी के बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली क्षेत्र में सर्वाधिक मान्यता इन्हीं की है। साठी का त नोखा ग्राम के स्वामी बीथू शाखा के चारण केलू के पुत्र दीपाजी के साथ इनका विवाह हुआ था। पानी के अभाव में साठी का त्याग कर देशनोक नगर की स्थापना की गई, जो आज भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर के चारों तरफ कई किलोमीटरों में फैला ओरन है। मंदिर का सिंहद्वार भी अपनी कलात्मकता के लिए उत्तरी भारत में अपने आप में उदाहरण है। इस देवी के राजस्थान में स्थान स्थान पर मंदिर व ओरन है। सभी वर्गों में मान्यता है। राजस्थान में विशेष मान्यता है और राजपूत और चारण पुरुष तथा स्त्रियां अपने अन्य स्वर्ण भूषणों के साथ गले में सोने की मोहरों के साथ करणी जी की सोने की मूरत अवश्य पहनती हैं। फलौदी क्षेत्र में आऊ नामक गांव के पास स्थित सुवाप नामक गांव में करणी जी का जन्म हुआ था। सुवाप में करणी जी के हाथ का लगाया हुआ पीपल आज भी मौजूद है। जिस जाल पर करणी जी झूलती थी वह भी मौजूद है। जहां रावशिखा भाटी को भोजन करवाया था वह जाल का वृक्ष भी खेत में मौजूद है। मेहा किनिया की खुदाई हुई तलाई भी सुवाप में है। करणी जी के विवाह का तोरण भी अभी तक मौजूद है। करणी जी के हाथ का बनाया हुआ आवर देवी का गोल मठ भी मौजूद है। सुवाप में करणी जी का मंदिर है। देशनोक में नेहली जी का मंदिर दर्शनीय स्थल है, जहां नेहली के प्रतीक स्वरूप वह खेजड़ी का वृक्ष आज भी मौजूद है तथा उस पर दही के छींटे आज भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं। करणी जी की पूजा मंजूषा भी देशनोक के तिमड़ा राय के मंदिर में मौजूद है। जोधपुर व बीकानेर की संस्थापिका के रूप में तथा राठौड़ों की कुल देवी के रूप में करणी जी की विशिष्ट मान्यता है। इनके महाप्रयाण स्थल की भी अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। जैसलमेर बीकानेर सीमा विवाद का निपटारा इनके महाप्रयाण स्थल से ही हुआ था। बीकानेर फलौदी सड़क पर स्थित नोखड़ा गांव से 12 किलोमीटर दूर गलियाला गिराछड़ गांव के मध्य स्थित धनेरी तलाई के पास इनके महाप्रयाण की स्मृति स्वरूप श्री करणी परमधाम मंदिर बना हुआ है, जिसे गदियाठाई रिन मठ भी कहते हैं। नवरात्रों में विशेषकर चैत्र शुक्ला नवमी दशमी को बड़ा भारी मेला लगता है। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने अलवर राज्य में करणी कोट नाम का कस्बा बसाया, जो आज भी मौजूद है। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने दक्षिण में औरंगाबाद के पास कर्णपुरा नामक गांव बसाया तथा वहां करणी जी का मंदिर बनवाया, जिसका खर्चा बीकानेर राज्य की ओर से जाता था। बीकानेर राज्य के स्टेट चेक पर भी करणी जी की मूर्ति का चिन्ह होता था। मंदिर में काबा चूहे विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। काबों का नजारा देखने योग्य होता है। मंदिर में जिधर देखो उधर काबे ही काबे अनगिनत संख्या में नजर आते हैं। सफेद काबे का दर्शन देवी का स्वयं का दर्शन माना जाता है। इसी प्रकार देवी के ध्वज दंड पर चील का दर्शन भी बड़ा शुभ माना जाता है। देशनोक के मंदिर में स्थापित मूर्ति जैसलमेर के खाती बन्ना सुथार की बनाई हुई है, जो जैसलमेर के पीले पत्थर की बनी हुई है। इस पर शिल्प कार्य बड़ी बारीकी से किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कागज पर चित्रकारी की गई हो। मूर्ति का मुंह बोल रहा है। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, बाएं हाथ में त्रिशूल जिसके नीचे महेश का सिर बिंधा हुआ है, दूसरे हाथ में नरमुंड लटक रहा है, गले में 8 आभूषण, वक्षस्थल पर मोतियों की दोहरी माला तथा हाथों में चूड़ियां हैं। घाघरे और ओढ़नी पर पड़ी हुई स्वाभाविक सलवटों को दिखाने के लिए चुन्नटें दी हुई हैं तथा घाघरे ओढ़नी पर फूल उत्कीर्ण है। घाघरा अधिक घेरदार नहीं है। मूर्ति पर सिंदूर की पोशाक कराई जाती है। प्रतिमा की पीठ पर सोने का तोरण बना हुआ है। इस मूर्ति के दोनों ओर मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। बाई ओर की मूर्तियां करणी जी सहित बहनों की हैं तथा दाहिनी ओर की मूर्तियां आवर देवी सहित बहनों की हैं। देशनोक के मंदिर के गर्भगृह की मुख्य गुफा करणी जी के हाथ की बनाई हुई है। वह अपने मूल स्थान और रूप में मौजूद है। मंदिर का विस्तार इसे केंद्र में रखकर हुआ। देशनोक में करणी जी का मंदिर कोटनुमा है। 4 बुर्ज बनी हुई है। कोट बीकानेर के महाराज सूरत सिंह ने बनवाया। सिंह द्वार पर देपाल सर चूरू के किले के कीवाड़ चाय, गर्भगृह के सोने के पत्र मणि कीवाड़ अलवर नरेश बख्तावर सिंह द्वारा चढ़ाए हुए हैं। बीकानेर नरेश डूंगर सिंह ने सोने का तोरण, सोने के कठरे, सोने का छत्र चढ़ाया तथा डूंगर सिंह की महारानी जड़ेजी जी ने सोने का चंद्रहार चढ़ाया। महाराजा गंगा सिंह जी ने सारे मंदिर को संगमरमर से जड़वा दिया। संगमरमर का कलात्मक सिंह द्वार सेठ श्री चांदमल जी धाधा ने बनवाया। मंदिर के पास ही मोहता परिवार की बनाई हुई धर्मशाला एवं श्री करणी निजी प्रन्यास द्वारा बनवाया गया आधुनिक साज सज्जा से युक्त विश्रामालय भी है। इनके अतिरिक्त यात्री विश्रामालय व छोटी छोटी कई धर्मशालाएं हैं।
पास ही करणीसर, देपासर व डेदासर कुएं भी हैं। पुरन में झड़बेरियों के अनगिनत पेड़ हैं। बीकानेर नरेश सूरत सिंह द्वारा नियत विधान के अनुसार ही पूजा होती है। चैत भादवा आसोज एवं माघ मास की शुक्ल पक्षीय चतुर्दशी की चार बड़ी पूजने होती हैं। शेष आठ चतुर्दशियों की छोटी पूजने होती हैं। दिन में सुबह शाम दो बार चढ़ावा होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत पूजनों की तो कोई सीमा नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धानुसार लोग करते रहते हैं। राजाओं महाराजाओं व सेठ साहूकारों द्वारा की जाने वाली बड़ी पूजन असाधारण पूजन कहलाती है। इसके लिए मंदिर के चौक में दो बड़े बड़े कड़ाहे लगभग 5 फुट गहरे व 12-13 फुट व्यास के पक्की भट्टियों पर चढ़े हुए हैं। ये सावन भादवा के नाम से विख्यात हैं। इनमें लगभग 90 मन दलिया, 50 मन गुड़ व 30 मन घी का सामान एक साथ बन सकता है। पटियाला नरेश ने इस प्रकार की असाधारण पूजन की थी। संवत 2055 की भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी को करनी कोट दांता की सगत सायाबाई ने यह साधारण पूजन की थी, जिसमें उपर्युक्त सामान के अतिरिक्त 20 मन सूखे मेवे डालकर लापसी बनाई थी। देशनोक नगर की भी करणी जी द्वारा स्थापित कुछ मर्यादाएं थी। रहने के लिए पक्के मकान बनाने की मनाही थी। स्वयं बीकानेर नरेश की कोठी भी कच्ची थी। केवल सार्वजनिक स्थान ही पक्के हो सकते थे। शराब निकालने वाले कलाल, मिट्टी के बर्तन पकाने वाले कुम्हार, धोबी, कसाई, पातुर आदि को नगर में बसने की मनाही थी। यदि इनमें से कोई बसे तो उक्त कार्यों को छोड़ना पड़ता है। रंगरेज अन्य कार्य तो कर सकता था, पर नील नहीं गला सकता था। नगर या उसकी सीमा में जीव हिंसा की मनाही थी। मंदिर के खजाने की चाबी और हिसाब की बहियां बन्ने सुथार के वंशजों के पास रहती हैं। खजाना 2 ओसवाल, 1 सुथार, 1 किएदार, सांखला राजपूत एवं चारों थामों के मुखिया चार चारणों की उपस्थिति में खोला जाता है। करणी माता के प्रमुख चार धाम हैं: 1 सुवाप, 2 साठिका, 3 देशनोक, 4 गढ़ियाला। करणी माता का इतिहास। 1 सुवाप, यह करणी माता की जन्म स्थली है। सुवाप जिला जोधपुर के फलौदी तहसील में स्थित है। करणी माता जी के पिताजी का नाम मेहा जी चारण किनिया था। माता जी का नाम देवल जी आधा व करणी माता का जन्म चारण कुल के किनिया शाखा में हुआ है। दोहे में कहा जाता है कि 1494 सातम शुक्रवार आसूज मास उजाल पक्ष आई लियो अवतार। 2 साठिका, साठिका गांव करणी माता का ससुराल स्थल है। यह बीकानेर जिले के 5 कस्बे के पास में स्थित है। करणी माता के पति का नाम देपाजी बीठू था, जिनके वंशज देशनोक में देपावत के नाम से जाने जाते हैं व देशनोक में विराजमान है। 3 देशनोक, देशनोक विश्व विख्यात स्थल है। यह बीकानेर में स्थित है। चूहों वाली देवी या काबों वाली देवी के नाम से विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहां लाखों पर्यटक आते हैं। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह माँ करणी की कर्मभूमि रही है। जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ कुल पर माँ करणी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। 4 गढ़ियाला, करणी माता का चौथा धाम गढ़ियाला, यह परमधाम के नाम से जाना जाता है। यह बीकानेर जिले की कुलायत तहसील में दियात्रा, नोखड़ा, गिरातसर व गिरांधी आदि गांवों के पास में स्थित है। कहा जाता है कि करणी माँ जैसलमेर से बीकानेर आते समय रास्ते में गढ़ियाला गांव के पास विश्राम किया। करणी माता के परम लोक सिधारने का समय आया गया था। सूर्योदय का समय था। तब करणी माता ने अपने पुत्र पुण्यराज से पास में धनेरू तलाई से घड़े में पानी लाने हेतु भेजा। कहा कि मुझे स्नान करना है, पुत्र के आने में थोड़ी देरी हो गई। माता ने अपने रथ चलाने वाले सारथी सारंग बिश्नोई से कहा कि झारी में जितना पानी है वह मेरे ऊपर डाल दो। माता जी 3 पत्थरों शिला पर विराजमान हुए। सारंग बिश्नोई ने वह झारी वाला पानी माता जी के शरीर पर डाला। माता जी ज्योति बनकर ब्रह्मलोक सिधार गए। उस समय करणी माता की अवस्था 150 वर्ष से भी अधिक थी। एक दोहा प्रचलित है कि वर्ष 156 मास दिन उपरांत दोए देवी सिधाया देव सो जगत सुधारण जोए। 1595 चेत शुक्ल गुरु नम देवी सागन देव सु पूगा जोत परम। करणी माता के इस चौथे परमधाम गढ़ियाला के मंदिर में वह शिला पत्थर आज भी विद्यमान है, जिस पर करणी माता ने बैठकर स्नान किया था। वह 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पास में धनेरू तलाई भी स्थित है, जहां 12 मास जल से भरी रहती है। इस प्रकार करणी जी ने आजीवन लोक सेवा का कार्य किया तथा अब भी विशाल लोक जीवन की भावनाओं से जुड़कर वे प्रेरक शक्ति के रूप में समाज को शक्तिवान बना रही है।